तो बस आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो अभी बजे सुबह के 12:30। अदिति यहाँ पे अपनी दोस्त से बातें कर रही है और आज हम सब लोग ही बहुत डल हो रहे हैं। अदिति की बहुत तबीयत ख़राब है, मेरी भी आज, मैं भी मतलब कल तक एकदम ठीक था, मैं एकदम फुल एनर्जेटिक था, बट आज मैं भी थोड़ा सा नाक बंद है, गला ख़राब है, वो सब। और अदिति के क्योंकि बुखार आया था सुबह भी 101 के आसपास, तो अदिति को किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था, टेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल। मतलब पपीता खाया उसमें भी कोई टेस्ट नहीं था। हाँ, पपीता भी इसको मीठा नहीं लगा, कुछ भी इसको कोई टेस्ट ही नहीं आया। तो पापा ने बोला अच्छा फिर एक काम करते हैं। मुझे तो पता चल रहा था कि पपीता ठंडा है। वो एक्चुअली मुंह का टेस्ट ठंडा हो जाता है बेटा, बुखार। हाँ, वो कॉफी हो रही है ना। तो बस फिर अदिति के कहने पर पापा ने मंगवाया बाहर से खाना, क्योंकि पापा माँ की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। तो उन्हें बोला कि अच्छा देखो किसी में भी एनर्जी नहीं, तो फिर बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। तो अदिति के कहने पर आ गया है बाहर से खाना, सिंपल खाना ही मंगवाए, रोटी सब्जी, ताकि ज़्यादा कुछ हाम भी ना करे और हैवी भी ना रहे। रोटी सब्जी नान पनी मंगवाए, रोटी सब्जी नान नहीं मंगवाया पापा ने, रोटी मंगवाई। नान नहीं बेटा, नान हम करेगा, छोड़ दो फिर हम लोग। तो नान तो मैदा होता है। अरे मेरा हाथ क्यों हटा रहे हो? अच्छा दीदी एक लॉजिकल आंसर दो, जब आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा, बात करो ना, जब आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा तो आपको क्या पता चलेगा कि नान है कि रोटी है? क्या पता इसका आ जाए बेटा, तंदूरी रोटी भी नान जैसी होती है। हाँ, अब अदिति को फाइनली जैसे जैसे मना लिया है कि भाई खा लो अब, है ना, आपको इतना है तो मत खाओ, आप बराबर बात ना। इतना गुस्सा हो रही है, बट कोई नहीं, अब खा लोगे ना? नहीं खा रहे? चलो कोई नहीं, अब मैं खा लूंगा दीदी। देखो खा निकले दीदी, खाना। थैंक यू। ये इसको क्या होता है पता ही नहीं। अरे रोटी है वो, नहीं नहीं नानी है वो। मजे ले रहे हैं, नान है, तंदूरी नान। रोटी आता प्लीज। चलो इतना टेस्ट आ रहा है, कर रही हूँ। तो अब मैं खाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। सब लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं फ्लाइंग बीस्ट। तो आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि नज़र का असर बहुत ज़्यादा होता है। ये अदिति ने कल बोला था कि आदित्य भैया के कभी बुखार आता ही नहीं है, और आज देखो 102 बुखार आया मेरे। वो थर्मामीटर खराब है। 102 नहीं, 100.2। नहीं, अब अच्छा, लेकिन बढ़ गया ना। 100.2 आया। अरे मार क्यों रहे हो? देख लो अदिति का 99.2 हो गया। और पता है अदिति, जैसे ही मैंने मम्मा को बताया ना, मम्मा अदिति बोलती है मम्मा मेरे सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, एकदम जैसे कंपटीशन आ गया इसके। दोनों की तबीयत खराब हो रही है। हाँ, मम्मा की भी बहुत खराब हो रही है। अब मैं बैठूंगी, प्लीज गरम पानी। हाँ हाँ बैठ जा। सबकी तबीयत खराब हो रही है घर में, और ये देखो सबके साथ यही हो रहा है। और देख रहे हो जलन कैसे हो रही है, देख रहे हो, इसे कहते हैं जलन असली। ये है जलने वाले लोग, देख लो अजी क्या जली सी हो रही है। देख रहे हो जलेश। चलो अब मैं भी और अदिति दोनों ही थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो रात के बज रहे हैं 12:45, और मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, खांसी भी बहुत आ रही है, बुखार तो बहुत कम हो गया, टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि क्लोरोसिन ले ली थी मैंने, बट नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बस अब सोने की कोशिश करता हूँ, और आज के स्टॉक को मैं एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मम्मा को रात को भी खांसी आ रही है, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।